सब्सक्राइब कीजिए ईएसए क्लासेस चैनल को और बेल आइकन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। ओके, पहले क्या है, देखिए यहाँ पे दो सिचुएशन दिए, एक है सिंपल इंटरेस्ट वाली सिचुएशन और दूसरी है कंपाउंड इंटरेस्ट वाली सिचुएशन। दोनों के केस में प्रिंसिपल सेम ही है, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है, बस आपको क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके कंपाउंड इंटरेस्ट में जाना है। दिया है सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम जो कि है पी, फॉर एग्जाम्पल इसको निकालना है हमको पहले, एट 5% फॉर 3 ईयर्स इज दिस, तो इससे हम पी निकाल सकते हैं पहले सिचुएशन में। सो पी इज इक्वल टू, आपको पता ही है फॉर्मूला, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय आरटी। सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया है, ये है सिंपल इंटरेस्ट आपका 1200 मल्टीप्लाइड बाय 100 और रेट है 5% पर एनम मल्टीप्लाइड बाय 3 ईयर्स, 3 सालों के लिए है ये सब। तो सिंपल सी बात है, 3 4 ज़ा मतलब 400 और 5 8 ज़ा 40, सो 80 हो गया। तो उसके आगे 80, उसके आगे 2 ज़ीरो, तो ये 8,000 रुपीज़, दिस इज द प्रिंसिपल। अब इसी प्रिंसिपल के ऊपर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है फॉर द सेम पीरियड एट द सेम रेट। बहुत ही सिंपल है, कंपाउंड इंटरेस्ट पहले तो हम अमाउंट फाइंड आउट करते हैं इसमें, पी 1 प्लस R/100 फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं बस, एन प्रिंसिपल तो आपको पता चल गया 8,000 है, 1 प्लस रेट इज 5/100, रेस्ट टू नंबर ऑफ ईयर्स 3 है, ये तो आपको पता ही है, 5 मतलब 20 हो जाता है नीचे, तो ये आपका बन जाएगा 8,000 इंटू ये 20 और ऊपर 1 मतलब ये हो गया आपका 21 डिवाइडेड बाय 20 रेस्ट टू 3। अब इसका इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 9,261। सो द कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये बहुत बार कर रहे हैं हम, अब मैं इसके आगे नहीं करने वाला, आप ये समझ रहे हो प्रिंसिपल है 8,000। सो सिंपल सी बात है और ये आपका 1,261 आ जाएगा, दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, इन व्हाट टाइम विल 1,000 बिकम दिस, इसका मतलब है कि ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है एट दिस रेट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, सो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला आपको यूज करना है यहाँ पे, ए इक्वल टू पी 1 प्लस R/100 रेस टू एन, तो आपको ये एन फाइंड आउट करना है कितने टाइम में होगा ये पूछा गया है। सो सिंपल सी बात है, 1331 इक्वल टू 1,000, 1 प्लस रेट इज 10/100, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने बोला था 1.1 लिख सकता हूँ इसको, सो यू गेट दिस 1331, ये नीचे आएगा इसके इज इक्वल टू 1.1 रेस टू एन, तो सिंपल सी बात है ये बन जाता है आपका, कोर्स यहाँ पे एक जीरो चाहिए, 1.331 इज इक्वल टू 1.1 रेस टू एन। आपको पता, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि 11 का जो क्यूब होता है 1331 होता है, तो सिंपल सी बात है दिस इज 1.331 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1.1 क्यूब इज इक्वल टू 1.1 एन, सो एन इज सिंपली 3 बाय द लॉ ऑफ इंडाइसेस। ओके, इस क्वेश्चन में है ये वाला जो है आपका वो प्रिंसिपल है, दिस इज प्रिंसिपल, इट अमाउंट्स टू दिस, सो दिस इज अमाउंट इन 2 ईयर्स, दिस इज एन कंपाउंडेड एनुअली, सो एन को चेंज करने की जरूरत नहीं है,
वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो सिंपल सी बात है, ए इक्वल टू पी 1 + R/100 रेस टू 2। तो ये बनेगा आपका 583.2/500 इक्वल टू 1 + R/100 रेस टू 2। नाउ ये जो है आपका, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5 से इसको काट दो। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 3 रिमेनिंग 33, 5 6 ज़ा 30, 3 रिमेनिंग 32, 5 6 ज़ा 30, 2 रिमेनिंग 20, 5 4 ज़ा 20। सो दिस इज इक्वल टू, चलिए इधर मैं लिख लेता हूँ इसको, और इस चीज को यहाँ पे लिख लेंगे हम 1 + R/100 रेस टू 2। तो सिंपल सी बात है, 1 + R/100 इज इक्वल टू, ये जो स्क्वायर है इधर जाके स्क्वायर रूट बनेगा 1.164 का स्क्वायर रूट, सॉरी 664। तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 11664 मल्टीप्लाइड बाय 10^-4। अब ये 10^-4 तो बाहर आएगा 10^-2 बन के, तो अंदर बचेगा आपका 11664। अब इसको बहुत ही आसानी से हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। देखिए ए प्लस बी का यूज कर सकते हैं, 108 का स्क्वायर यही आएगा। कैसे, इसको हम 100+8 होल स्क्वायर ऐसे अगर निकालेंगे तो आपको पता है कि ये तो हो जाएगा आपका 10,000, इसका स्क्वायर हो जाता है 64, और इसका ट्वाइस अगर हम लेंगे तो वो होता है 1600। तो 10,000 + 1600 + 64 करोगे तो यही आएगा, मतलब ये क्विकली आ जाता है एक्सपीरियंस से। सो दिस इज 108, इसका स्क्वायर रूट 108 है। सो यू गेट दिस थिंग, 1 + R/100 इज इक्वल टू 108 इंटू 10^-2, ऑफकोर्स। तो ये आपका 1.08 आ गया। तो ये सब करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बताया जैसे कि अगर 1.08 आता है तो R इक्वल टू डायरेक्टली 8% आ जाता है, मैंने आपको बताया है पहले कैसे आता है। आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख लो, इस इक्वेशन को सॉल्व करके देख लो। मैंने बताया अगर 1.2 है तो इसका मतलब है 20%, 1.5 है तो इसका मतलब है 50%, और 1.03 है तो इसका मतलब है 3%। उसी टाइप के क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की केस है। कंपाउंड इंटरेस्ट से हमको सम निकालनी है, फिर इसको सिंपल इंटरेस्ट में डालना है। तो चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, अमाउंट का हम लिखते हैं लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का भी लिख सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, पी 1 + R/100 - 1 और यहां पे रेस टू एन होता है, यही है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ये है आपका रेट, और ये है आपका नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स। सो 1270 इक्वल टू पी 1 + इसको मैं कर लूंगा 50/3/100 raised to n - 1। रेस टू एन मतलब कितने है, 3 years है। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको आएगा पी। अब बताया मैंने कैसे आता है पी, बहुत ही सिंपल है, निकालना है बस, इक्वेशन सॉल्व ही तो करना है। 2160। अब बोला है कि इसी सम पर सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा सेम पीरियड के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट का तो फॉर्मूला ही है PRT/100। आपका P है 2160
रेट है आपका 50/3 एंड द टाइम इज 3 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100। ये आएगा आपका 3 और 3 कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। 5 6 30, 5 1 5 एंड 3 8, 5 2 10, सो 1080 इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम अमाउंट ऑफ मनी एट दिस रेट ऑन द सेम फॉर द सेम टाइम। ठीक है, इस तरीके के कई क्वेश्चन हो चुके हैं पहले भी।